अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था एनवायरनमेंट, उसका लेक्चर नंबर 2 हम आज लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट, यानी हम अपने एनवायरनमेंट की केयर, उसकी हिफाजत, उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट की देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट क्लीन होगी तभी हम लोग भी हेल्दी रह सकते हैं। ऐसे ही है ना क्लास टू? ठीक है। बिकॉज योर एनवायरनमेंट इज शेयर्ड बाय मैनी डिफरेंट लिविंग थिंग्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर एनवायरनमेंट हेल्दी, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत सारे अलग अलग तरह के लिविंग थिंग्स शेयर करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखें, सेहतमंद रखें। ठीक है। और ये किस तरह होगा? यू वॉन्ट द लिविंग थिंग्स इन योर एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। आप चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग थिंग हैं, जानदार हैं, वो ज़िंदा रहें। वो किस तरह ज़िंदा रहेंगे? जब हमारा एनवायरनमेंट नीट क्लीन होगा, हेल्दी होगा। ठीक है। हेयर आर सम थिंग्स यू कैन डू टू कीप योर एनवायरनमेंट हेल्दी। यहाँ पे कुछ ऐसी ये पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्लांट आर ट्री, एक पौधा लगाएं। ट्रीज मेक द एनवायरनमेंट हेल्दी। ट्रीज का काम क्या होता है? कि वो हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाते हैं। ठीक है। द फोर आवर्स, फोर आवर्स क्या होता है क्लास टू? मैं आपको बताती हूँ कि फोर आवर्स क्या होता है। If you and your friends remember 4 hours, then your environment will be cleaner and healthier. आप अपने घर वालों को बताएं, आपके फ्रेंड्स हैं, ये सब अगर 4 hour रूल पे अमल करें ना, ये एक रूल होता है 4 hour। ठीक है। इस पे अगर हम अमल करेंगे ना, तो हमारा जो environment है वो बहुत ज़्यादा क्लीन और हेल्दी रहेगा। ये 4 hour क्या हैं? The 4 hours are reduce, यानी कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करें, उन्हें ज़ाया मत करें। Reuse, अगर कोई चीज़ आपकी जो है वो ख़त्म हो गई है, आप उसको रीयूज़, दोबारा इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं? रीसाइकिल, यानी कि ख़त्म हुई हुई चीज़ों को आप दोबारा किसी न्यू चीज़ बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड रिपेयर, आपकी अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, टूट गई है, तो उसे रिपेयर करें, दोबारा से ठीक करवाएं। ठीक है। हम ये चीज़ें, अगर हम ये 4 hour रूल इस्तेमाल करेंगे ना, अगर इसे हम याद रखेंगे, तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन और हेल्दी हो जाएगा। ठीक है। ओके। ये पॉइंट है कि हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं। रीयूज मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल्स को दोबारा से इस्तेमाल करें। डू नॉट जस्ट थ्रो देम अवे, उन्हें सिर्फ फेंके मत। इट एड्स टू द रबिश, फेंकने से क्या होता है कि कचरे में इजाफा होता है। अगर हम कोई चीज़ फेंक देते हैं तो कचरे में इजाफा होगा ना। ठीक है। तो कोशिश करें कि चीज़ों को इस्तेमाल दोबारा करें। जैसे आपकी अगर कोई नोटबुक ख़त्म हो गई है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसे उठा के फेंक दें, आप उन्हें दोबारा उनके पेजेस या वो नोटबुक को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है। ग्रो योर ओन फूड, यानी अपने ही घर पे वेजिटेबल्स के प्लांट्स लगाएं, छोटी छोटी वेजिटेबल्स के। ठीक है। होम ग्रोन वेजिटेबल्स आर ऑलवेज बेटर, घर पे लगी हुई जो सब्जियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। हम उनमें कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं करते, उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। यानी कि आजकल बाहर जो सब्जियां होती हैं ना, आपको पता है कि सीज़न के बगैर ही हर तरह की सब्ज़ी हर सीज़न में मिल रही होती है, क्योंकि हम उन्हें अब केमिकल्स के ज़रिए और आर्टिफिशियल तरीके से जो है हम उन्हें ग्रो कर लेते हैं। ठीक है। इसलिए कहते हैं घर में उगाई हुई सब्जियां जो हैं वो बहुत बेहतर होती हैं। टेक योर ओन शॉपिंग बैग्स टू द शॉप्स, शॉप्स पे अपने शॉपिंग बैग्स लेके जाएं। टू मैनी प्लास्टिक बैग्स स्पॉइल द एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक बैग जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को स्पॉइल करते हैं। पिकअप लिटर एंड डोंट ड्रॉप लिटर, यानी कि कचरे को उठाएं, अगर कहीं पे आपको कोई रैपर या कागज़ पड़ा हुआ नज़र आए, उसे उठा के डस्टबिन में डालें और कचरा फैलाएं नहीं, नीचे मत गिराएं। ओके क्लास टू, यहाँ पे आपका लेसन यूनिट नंबर जो है 6 एंड होता है एनवायरनमेंट का। ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको जो है आपके नोट्स में मिल जाएंगे। उसके अलावा ये क्रॉसवर्ड पजल हैं जो कि आपने बुक पे ही सॉल्व करना है। ठीक है क्लास टू, थैंक यू सो मच। लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 6 यहाँ पे आपका एंड होता है।